एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गिग्स गर्ल। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मेरे कॉलेज MNIT जयपुर में अभी रिसर्च वर्क चल रहा है एमटेक सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो हम लोगों का एक फाइनल जो प्रेजेंटेशन होता है थीसिस वाला, वो होने वाला है। और इतने क्रूशियल टाइम में भी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा जो एम है वीडियो बनाने का, वो ये है कि आप लोगों की हेल्प करना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी पहले से ही मेरे पास। तो काफ़ी एक दो बार मैंने इग्नोर करना शुरू किया कि नहीं, लेकिन काफ़ी मुझे पढ़ना है, थीसिस देखना है, वो चीज़ें ठीक है साइड में रख दो, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मुझे हेल्प करनी है, थोड़ा अपने आप को सेटिस्फैक्शन मुझे बहुत होता है आप लोगों की हेल्प करके। तो बहुत, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने स्ट्रगल किया है, और वो जो स्ट्रगल है वो आपका टाइप ऑफ स्ट्रगल डिपेंड करता है आप पे। तो जो मेरा स्ट्रगल का टाइप है, वो आज कुछ लोग उसको फेस कर रहे होंगे। जो दो साल टू इयर्स पहले मेरी कंडीशंस थी, तो वो आप में से बहुत कुछ लोग फेस कर रहे होंगे उस कंडीशन को। तो बस मेरा जो, मैं चाहती हूँ ना कि वो कंडीशन जो है, जिस तरह से, क्योंकि मैं तो अपने आप पता नहीं कैसे बाहर निकली उस कंडीशन से, तो वो आप एकदम, आपको थोड़ा सा तो होप दिखे, ठीक है, मेरे थ्रू। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देखी हैं ड्रॉप की। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है ड्रॉप वाला, ठीक है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट का काफ़ी ड्रॉप हो चुका है और उनका गेट स्कोर भी लो है, या फिर जिनका गेट स्कोर लो है सिर्फ, ठीक है, ड्रॉप उनका 1 ईयर ही रहा है। जितना भी आपका ड्रॉप हो सकता है, देखिए, अगर आपके पास 1 ईयर ड्रॉप है तो इट्स ओके, 2 ईयर ड्रॉप है तो भी इट्स ओके, और अगर आपका 3 ईयर ड्रॉप है तो भी इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ईयर है तो भी इट्स ओके। तो मैं ड्रॉप, यहाँ मेरा मेन जो टॉपिक है किसी चीज़ को बताने का, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो है ड्रॉप वाला, ठीक है। तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट कैसे CCMT काउंसलिंग करा के, थोड़ा सा जो भी उनके मन में कंफ्यूजन है कि उनको एमटेक में जाना है, उनको एमटेक में एडमिशन लेना है, ठीक है, उनको जॉब चाहिए अच्छा इंस्टीट्यूट से, अच्छे इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लेके उनको थोड़ा प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। एज डिपेंड नहीं करती कि क्या एज रही है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्या एज रही है, क्या कितने साल आपने ड्रॉप आउट किया है, कुछ भी नहीं क्या। तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने बीटेक किया, मैं 2017 बीटेक पास आउट हूँ, और 2017 बीटेक पास आउट करने के बाद मैंने गेट का प्रिपरेशन किया। मेरा मेन जो एम था वो PSU था, ऐसा नहीं था कि आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल मेरा ड्रॉप करने के बाद, और जो मेरा स्कोर था, ठीक है, वो लो था, उसके बाद मेरे स्कोर्स अच्छे आए जिसमें मैं एमटेक में एडमिशन लेने जा सकती थी, बट मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझे PSU चाहिए था, ठीक है। इवन अगर आपका गेट स्कोर 500 से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, 400 से अबव है, तो, और या फिर 350 स्कोर से भी थोड़ा ऊपर है, तो आप इतना क्यों घबरा रहे हो, ठीक है। तो आप एक बार काउंसलिंग करा के तो देखो, क्योंकि मैंने जो गलती की थी वो यही की थी कि मैंने क्या किया था कि काउंसलिंग में अपेयर ही नहीं किया था, ठीक है। मुझे लगा ना, अरे 550 स्कोर पे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा मैं सोचती थी, जो एकदम गलत था, ठीक है। तो आज आप लोग भी यही सोचते होंगे, जो एकदम गलत है। कुछ लोग तो इसी बात से ही काउंसलिंग में अपीयर नहीं होंगे कि अरे उनका तो 3 ईयर 4 ईयर ड्रॉप हो चुका है, और वहाँ जाएंगे तो वो लोग क्वेश्चन ना करें हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है। बिल्कुल हो आप एलिजिबल, ठीक है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो आप कि आपने इतना टाइम से हर चीज़ को जाना, हर चीज़ को देखा, हर चीज़ को परखा, ठीक है। इवन ये भी हो सकता है कि आपका उस ड्रॉप सिचुएशन में, जो भी आप ड्रॉप टाइम में, आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आप एक्सपीरियंस के बिना भी हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप स्टडी कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक मुझे अभी लगता है, अभी तो CCMT का फर्स्ट राउंड रिजल्ट आ चुका है, तो कुछ लोगों को अलॉट हो गया होगा, कुछ लोग सीट लॉक करेंगे, कुछ लोग अपना
विड्रॉल करेंगे, कुछ लोग अपना आगे के लिए जाएंगे, तो वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जो स्पेशल राउंड है, जिन्होंने डर की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से काउंसलिंग में अपीयर नहीं किया है, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि 19 जुलाई को स्पेशल राउंड होंगे। ठीक है, तो स्पेशल राउंड में ही फाइनलाइज होगा कि कितने कम गेट स्कोर पे आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपका लो गेट स्कोर है तो एक बार आपको ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक मिथ हटा दूँ कि अगर आप ड्रॉप लिए हो बहुत काफ़ी, मतलब 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला आपके साथ। जैसे सब बच्चे हैं वैसे आप भी हो। ठीक है, तो यही मेन मेरा मोटो था कि मुझे बताना था, क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया है 3 ईयर बीटेक के बाद, इसलिए मुझे पता है सारी चीज़ें, और इसलिए मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ कि मैं भी उस टाइम बहुत सोचती थी कि ठीक है एडमिशन तो ले लूँ, फिर वहाँ NIT में ऐसा ना हो कि बोले कि अरे 3 ईयर गैप है, फिर तो आपका तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो प्लेसमेंट में ना बैठने दें। और अगर हाँ, मार्क्स की भी बात है भाई, मार्क्स 10th 12th में मेरे कम ही है, सेकेंड डिवीज़न हूँ मैं, 10th में भी सेकेंड और 12th में भी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जहाँ आपको जाना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं, अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में लेकिन आप मेन एग्ज़ाम के दिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बहुत बेकार थे पढ़ने में, लूज़र थे, ऐसा तो नहीं ना। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं कि आपकी एबिलिटी चेक हो और आप अच्छे से एडमिशन ले पाए अच्छी जगह। ठीक है, तो अब आप IIC बैंगलोर का ही देख लीजिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 10th 12th में 55% होने चाहिए। तो क्या वो बोल रहा है कि अगर नहीं 82-83% होगा तभी हम आपको लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आप, मैं आपसे एक बार बताना चाहती हूँ, जितना अच्छा कंपनी, जितनी अच्छी हाई कंपनी होगी ना, नाम जिसका, जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब कभी एलिजिबिलिटी का इतना क्राइटेरिया नहीं रखती है। जो थोड़ी सी सर्विस बेस्ड कंपनी है वो थोड़ा क्राइटेरिया रखती हैं, कुछ कंपनी रखती हैं, और जो हाई एम वाली कंपनी होती है वो तो नहीं रखती है कोई क्राइटेरिया, क्योंकि उनको उस स्टूडेंट के एबिलिटी से मतलब होता है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कितना ड्रॉप किया है, कितना कम मार्क्स रहा है, जो जजमेंटल चीज़ें होती हैं जिससे हमारे जो एनवायरमेंट में हमें जज किया जाता है कि मार्क्स कम है, अरे कितना बेकार बुद्धू लड़का है, बुद्धू लड़की है, और अरे ईयर गैप है इतना सारा, क्या कर रही थी अभी तक, बताओ, एक जगह पहुंचने के लिए इसने इतने सारे ईयर्स लगा दिए, तो ऐसा नहीं है, वो लोग जज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे जो अच्छे लेवल वाले जो इंस्टीट्यूट हैं और जो हमारी कंपनी है, तो वो लोग कभी जज नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग आराम से MTech में एडमिशन ले सकते हैं हर कहीं, बस ये होगा कि जिनका गैप होगा उनको बस एफिडेविट देना होगा, जैसे कि मेरे केस में मुझे एफिडेविट देना, अगर आपका ऐसा भी होता है कि अगर आपका 2 ईयर गैप है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, ऐसा तो कोई प्लेसमेंट में डिफरेंस नहीं होता है, बस ये है कि जब आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो आपकी रिज्यूम में देखता है, पूछता है कि अरे आपने ड्रॉप क्यों लिया, तो आप बता दो, सिंपली एक्सप्लेन कर दो जो रियल चीज़ें हैं। ठीक है, तो उनको भी चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम थी, ये था, तो इतना कोई इशू नहीं है ड्रॉप का और लो गेट स्कोर का। अगर आपका लो गेट स्कोर आ गया है तो इट्स फाइन, है ना, और ड्रॉप गैप भी बहुत सारा तो भी इट्स फाइन, कोई बहुत बेकार चीज़ नहीं है ये। आप अपने आप को जज मत करो, कि आप अपने आप को कभी कॉन्फिडेंस अपना लो मत करो। ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत अपना कॉन्फिडेंस लो कर चुकी थी और मुझे अपने ऊपर बिलीव नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, अपने टाइम पे एक सेट कर लिया था गेट का मार्क्स, कि अगर मेरी रैंक अंडर 100 है तो ही मैं गेट में क्वालिफाई हूँ, ऐसा मैंने सेट कर लिया था। तो अगर मेरे अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर भी था ना, तो भी मुझे दुख सा फील होता रहता था कि अरे नहीं मुझे तो PSU मिलेगा ही नहीं इतने स्कोर पे, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो जो भी आपका स्कोर है उसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करो, मैं तो बहुत दिल से अपने स्कोर की रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, और जहाँ भी आप जाओ, ठीक है, बस अपना एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हाँ हमारे साथ जो होगा अच्छा होगा, और जो स्ट्रगल है ना वो कुछ यूनिक पीपल ही होते हैं जिनको स्ट्रगल मिलती है,
और एक्चुअली सबके लाइफ में ही स्ट्रगल होता है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर हाई क्लास फैमिली हो, कोई भी हो, हर हर पर्सन के लाइफ में एक ना एक मोमेंट ऐसा होता है कि उसको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो बस स्ट्रगल का वे थोड़ा अलग हो जाता है, किसी का बहुत ही हार्ड होता है, किसी का मतलब स्ट्रगल तो स्ट्रगल है, हर किसी की लाइफ में होता है। हम नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे से जी रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी तक जो भी मैंने बताया, तो वो मैंने अभी तक थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरा गैप था, तो इसलिए मैं आपको, जो भी स्टूडेंट गैप हैं, जो चुप के बैठे हुए हैं, कंफ्यूज हैं, सम बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि कोई जज करेगा मुझे, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो है। बिल्कुल भी आप डरो नहीं, कुछ भी ऐसा कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, सबका गैप होता है, बहुत आपके जैसे बहुत लोग हैं। मैं पहले सोचती थी कि मैं ही गैप वाली हूँ, बट मैंने देखा तो इंस्टीट्यूट में और भी लोग गैप वाले थे, ठीक है, तो इतना कोई इशू नहीं है गैप होना, और इतना कोई इशू नहीं है लो गेट स्कोर आना, आप बहुत अच्छा पा सकते हो कॉलेज, ठीक है, बस आप NSR राउंड, जो स्पेशल राउंड होगा, उस पर आप एनरोल करना, ठीक है, वो होगा 19 जुलाई को। अब इसके बाद अभी तक मेरा बात ये था, ठीक है, अब मैं इसके आगे सेकंड पार्ट जो वीडियो है ये बनाने वाली हूँ। इसमें मैं डिस्कस करूँगी कि अगर, जैसे कि अभी तो मैं M.Tech मेरा कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 1 मंथ है मेरे पास, ठीक है, अब तो सारी चीज़ें मैंने M.Tech की एक्सपीरियंस कर ली हैं, प्लेसमेंट वाली भी एक्सपीरियंस कर ली हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था अगर मैं एडमिशन लेती। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो यही रहने वाला है कि उसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर मैं एडमिशन लेती M.Tech में, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं क्या प्रिपेयर करती। जैसे अभी काउंसलिंग हो रहा है, तो काउंसलिंग के टाइम पे तो हम कुछ काम कर नहीं रहे हैं, हम तो फ्री टाइम जो है हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा, जैसे ही हम M.Tech फर्स्ट ईयर में एंटर करें, तो हमारा एक अलग से और अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट, क्योंकि M.Tech के फर्स्ट ईयर में आप जैसे ही मतलब जाते हैं, एंटर करते हैं वहाँ पे, तो इंटर्नशिप के लिए कंपनी आना शुरू कर देती हैं। तो कैसे आपको इंटर्नशिप लेना है, ठीक है, कैसा आपका रिज्यूम होना चाहिए, और किस तरीके से आपको कोडिंग में ध्यान देना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।